कौन था कौन था? राखी जी सुनेगा गीत एकदम सबका सुना सुनाया है। कहना है कि नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा खट बंसी वाले गोकुल के राजा के अखिया तरस रही अब तो जल्दी आ जा बंसी वाले की के यमुना के तट पर जब नटखट बंसी वाले की तो बंसी बाजेगी राधा नाचेगी और बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी ओ बंसी बाजेगी और राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी और राधा नाचेगी राखी जी मैंने खंडगीत में कोई विशेष बात नहीं है बस एक बात कह रहा हूं। जैसे कहना है के नाम में देव अरे नाम में दो दो अक्षर देखो पावन है बिल्कुल राम में दो अक्षर सीता में दो अक्षर के नाम में दो दो अक्षर पतित पावन है और नौमी तिथि दोनों की अति मन भावन है। नौमी तिथि को राम का जन्म नौमी को सीता का जन्म जैसे अष्टमी में कन्हैया अष्टमी में राधा वैसे नौमी में राम नौमी में सीता नौमी में लोकुश का भी जन्म हुआ। कहना कि नाम में दो दो अक्षर पतित पावन है और नौमी तिथि दोनों की अति मन भावन है और सीता राम में तारा शब्द सुहावन है। सीता राम में तारा शब्द एक देवी का नाम आता है जिसे दस महाविद्याओं में एक महाविद्या का नाम है तारा। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम भी तारा। नौ कन्याओं में एक कन्या का नाम भी तारा है और एक पंच कन्याओं में नाम तारा और आसमान भी में भी तमाम तारे हैं। किसी का नैनों का तारा है तो सीता राम में तारा शब्द सुहावन है और नाम में चौवन चौवन अंक पावन है। राम में चौवन अंक सीता में चौवन अंक तो चौवन दुना 108 108 की माला बन गई। 108 ब्रह्म के अंक में 108 अंक हैं। तो कहना है राखी जी और अगर देखा जाए अरे 24 चरण चिन्ह क्या बात है क्या बात बहुत अच्छे और आराम से और आराम से और बहुत क्या बात है क्या बात है
फर्क है कि जो माता और माता सीता के भी दाएं बाएं दोनों चरण में 24-24 चरण चिन्ह है, बस फर्क है कि जो भगवान श्री राम के दाएं पांव में है वो माता सीता के बाएं पांव में है, जो माता सीता के दाएं पांव में भगवान के बाएं पांव में है। तो 24-24 चिन्ह चरण में परम सुहाए है। क्या बात है गुरु, के 24-24 चिन्ह चरण में परम सुहाए है। जो राम के दाए है वो सिया के पाए है, जो राम के दाए वो सिया के बाए है, और जो सिया के पाए है वो राम के दाए सिया के दाए है राम के पाए है जवाब की तरफ चल रहे हैं। कहां जाएंगे रात में? नहीं नहीं, रास्ता बंद है, कहीं नहीं जाएंगे। गीत कह रहा है क्या क्या कि नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा चाहिए। गाना किसका है? किसका है बताइए? कटपीस और इस चक्र का गाना। गाना तो बहुत लाजवाब, बहुत सुना सुना है। एक तो गुरु का नाम ले रहे हो और ऊपर से गाने दूसरों के गा रहे हो। कम से कम 50 मरतबा ये गाना मैंने किरण खुरपेची के मुंह से सुना है। गाना गाए जो आप गाना गाए हो, पैसे से ये मिल जाएगा, पैसे से वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो शुरुआती कव्वाली टाइप गा रहे थे वो भी किरण कुरुबेची का। बिल्कुल बिल्कुल, चाय बेचो वरना घाटे में आ जाओ। बहुत सही, नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो कटपीस आप गा रहे हैं, राम के दाए हैं सिया के बाए हैं, ये गाना किसका है? किसका है?
क्योंकि कहते हैं कि सांच को आंच नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या, पैसे से सच्चाई नहीं खरीदी जा सकती। हमारे महानगर कानपुर के एक बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे सुरीले कलाकार भैया लालमन चंचल जी, और यकीन ना हो तो अभी कहो फोन लगा के उनसे बात करवाएं आपकी। हाँ, क्योंकि तुम्हारे में तो पैसा है नहीं, हम ही लोग कराए हैं रिचार्ज फ्री वाला। नाम गुरु का ले रहे हो, गाना यहाँ वहाँ के गा रहे हो, थोड़ा शर्म करो भाई साहब। खैर मुझे जवाब देना है। हाँ, मैं प्रयास कर रही हूँ आपके टुकड़े का, सुने आप। अरे चार बहन एक भाई, क्या ढोलक बजा रहा है। अभी कह रहे थे कि ये है ढोलक, देखो ढोलक वाले के बाल नहीं है लेकिन काम देखो। हाँ, नहीं कह रहे थे वाह बुड्ढे वाह। अच्छा, ढोलक बजाने से बालों का क्या संबंध है? हाँ, तो बाल हिलाओ तो बजाओ तो जाने, क्या बताएं। सुनिएगा, सुनिए। अरे चार बहन एक भाई, लाइनों को नोट करिएगा, के चार बहन एक भाई वो सीता माता है। चार बहन और एक भाई है, के चार बहन एक भाई वो सीता माता है। और यहाँ अरे एक बहन चार भाई अवध सुख दाता है। उनके परिवार में चार बहनें एक भाई है। हाँ। तो यहाँ राम जी के परिवार में चार भाई और एक बहन है। हाँ। सुने आप। सुने। अरे जनक अवध में, जनकपुर और अवधपुर, जनक अवध में तीन ही अक्षर पाए हैं। जनक अवध में तीन ही अक्षर पाए हैं। और भैया, अरे जानकी राघव में भी तीन सुहाए हैं। माता जानकी में भी तीन अक्षर और राघव में भी तीन अक्षर। जानकी राघव कह लीजिए या जानकी रमन कह लीजिए, वही उसमें भी तीन ही अक्षर आ रहे हैं। जानकी रमन यानी भगवान प्रभु राम। तो कहा है क्या? अरे जानकी राघव में भी तीन सुहाए हैं। तो मैं कह रही हूं क्या, क्या? अरे जन्मदिन में दोनों के
भगवान श्री राम और माता जानकी, तो जन्मे दिन में दोनों, दोनों दिन में जन्मे दिन में दोनों कथा ये पाई है, और अग्नि अंश दोनों में मिली समाई है। दोनों में अग्नि अंश कैसे कैसे, अरे रावण मरण हेतु आए भगवान राम के, रावण अरे रावण मनन दे तू आए, अरे दोनों साथे में भगवान राम रावण का वध करने के लिए। देखिए साथ में कौन आए, सुने आप भगवती जानकी, हालांकि उनको पहले ही भगवान श्री राम ने अग्नि में उनको भेज दिया था, लेकिन जो हरण होकर के लंका में आई थी तो वो भी जानकी का ही रूप है। तो मैं कह रही हूं क्या, क्या? अरे रावण मरण हेतु बन आए दोनों साथे में, तो मैंने देखा क्या? जो इनके माता सीता के, जो इनके माथे में वो उनके हाथे में, और वो क्या है, क्या? वो है रावण का मरण, जो माता सीता के माथे पे लिखा था और भगवान श्री राम के हाथ में लिखा था। समझते रहिए रावण का विनाश, सुने आप, इनके माथे में वो उनके हाथे में, रावण का पद माता जानकी के मस्तक पे लिखा और रावण का पद भगवान राम के हाथ में लिखा, क्योंकि कहा है क्या? जो इनके माँ